हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी अलर्ट में। तो यहाँ दोस्तों पोस्ट ऑफिस की तरफ से बहुत ही अच्छी दोस्तों भर्ती आई। यहाँ दोस्तों बात करें तो आपके लिए पोस्ट मास्टर के पोस्ट है यानी और दोस्तों डाक सेवक के पोस्ट हैं, जिसके लिए दोस्तों बात करें तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी। आपको 1000 पोस्ट पूरे बिहार सर्कल में मिल जाता है और जिसके लिए दोस्तों आपको कोई भी एग्जाम कोई भी इंटरव्यू नहीं, बस आपका दोस्तों मेरिट बेसिस पे है। यहाँ दोस्तों अगर आप 10th पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ दोस्तों डायरेक्ट भर्ती आई, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ कैसा पोस्ट है और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मेरे सामने ये दोस्तों ग्रामीण डाक सेवा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे दोस्तों 5 तारीख को जारी किया। यहाँ दोस्तों पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 2 पोस्ट मिल जाते हैं, यानी कि दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट हैं और यहाँ दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट हैं। जिस दोस्तों सैलरी की बात करें तो अगर आप 4 घंटे काम करते हैं तो ये दोस्तों लेवल 1 में यानी कि 12,000 यहाँ मिलता है। ये दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये है लेवल 1 स्लैब में। ये दोस्तों लेवल 2 स्लैब में 14,500 और दोस्तों 12,000 यहाँ वर्किंग आवर आपका 5 आवर्स है। ये दोस्तों बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप दोस्तों 18 से लेकर 40 साल के एज में आपका है, यानी कि 5 अगस्त को आपका एज होता है, यानी कि 18 से 40 साल, यहाँ दोस्तों रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। यहाँ ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। यहीं दोस्तों बात करें इसकी एडुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ दोस्तों आपको कम से कम मिनिमम आपको 10th पास होना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों सेलेक्शन आपके 10th के जो भी मार्क्स है उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बन के आपका सेलेक्शन हो जाएगा। यहाँ दोस्तों एक और है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों बिहार का है तो बिहार का लैंग्वेज जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी या दोस्तों मैथिली, इसका आपको जानकारी होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ बात करें यहाँ दोस्तों आप इसको अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा, किसका साइट है। यहाँ दोस्तों इसका साइट इसमें देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, नो वेटेज विल बी गिवन ऑन हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ दोस्तों आपका सिर्फ 10th का जिसका भी ज़्यादा मार्क्स होगा अप टू 4 डेसिमल तक यहाँ पे एक्यूरेसी यहाँ पे देखा जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका मार्क्स 10th के मार्क्स जिसका ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से वैकेंसीज है। और यहाँ दोस्तों इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इसका अप्लाई का यहाँ पर दिया हुआ है http://post.in। यहाँ पे दोस्तों GDS ऑनलाइन, यहाँ पे आप इसको 5/8 से लेके 4/9 के बीच में 1 महीना लगभग आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको बता दूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट 10th के मार्कशीट, ये सब दोस्तों डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका लिंक में दोस्तों डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहाँ से आप जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपका SSC का मार्क्स यानी कि 10th का मार्क्स 200 KB के अंदर A4 साइज में, ये सब दोस्तों आपको अपलोड करें तो ही आपका मार्क्स यहाँ पर बनेगा। और यहाँ दोस्तों वैकेंसीज की बात करें तो इसी के नीचे आपका वैकेंसीज टेबल आ जाता है, अपने अपने जो भी आपका जिला है उसमें आप अपना अपना वैकेंसीज दे सकते हैं और स्केल ऑफ पे भी देख सकते हैं क्या स्केल ऑफ पे में आपका आया हुआ है। और यहाँ दोस्तों इसी के लास्ट में देखें तो दोस्तों इसी के लास्ट में यहाँ टोटल वैकेंसीज यहाँ पे पूरा जोड़ के आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अनरिजर्व के 1063 वैकेंसीज पे, अनरिजर्व के 507, SC ST की यहाँ पे देख सकते हैं SC की 154, ST के 30, यहाँ दोस्तों OBC के 274, EWS के भी यहाँ पे 81 है। यहाँ दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप ABC ग्रुप में बांटा गया है, इससे दोस्तों लगभग आपको 1063 पोस्ट है जिसका दोस्तों पहले आपको मेरिट बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज ग्रामीण डाक सेवक तरफ से आई हुई है। यहाँ दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आवेदन शुल्क की बात करें तो लगभग आपको दोस्तों 100 रुपये इसका आवेदन शुल्क लगेगा। और दोस्तों इसका लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जाके इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी दोस्तों ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।